तो कोरोना वायरस के चलते पूरा देश लॉकडाउन है। वहीं प्रदेश में मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू होने के बाद लोग बेवजह सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बेवजह घूमने वाले लोगों को लेकर पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाया रहा है। इसी कड़ी में जयपुर के हरमाड़ा इलाके में पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में पुलिस की चेकिंग के दौरान कई हैरतअंगेज खुलासे भी हुए हैं। दरअसल अधिकांश लोग ग्राम पंचायत के लेटर पैड पर सरपंच की अनुमति लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं, जबकि इस तरह की अनुमति देने की ग्राम पंचायत को इजाजत नहीं है। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि कई लोगों को किराने की दुकान का हवाला देकर अनुमति दी गई, लेकिन पकड़े गए व्यक्तियों के पास ना कोई दुकान है और न ही बाहर निकालने का कोई जरूरी कारण, जिसके चलते पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन वाहनों को सीज किया है। लॉकडाउन वाली कार्रवाई शुरू हुई है, तब से हम हमारे थाना इलाके में टोडी मोड़ पे बड़ी सख्ती से वाहनों को चेक कर रहे हैं। ये अवश्य है कि कई बार वाहन चेकिंग की वजह से लंबी लाइनें लग जाती है, तो उस जनता को असुविधा होती है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन कई लोग इस लॉकडाउन के संदर्भ में अलग अलग तरह के रोचक बहाने लेके आते हैं। जैसे कल एक गाड़ी को चेक किया, कहा मैं दूध की सप्लाई करता हूँ, उसका ड्रम खुलवा के देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था, ऐसी गाड़ी को हमने जब्त करी। इसी प्रकार एक किराने की दुकान वाला कि सरपंच साहब से लिखवा लाया कि इनकी किराने की दुकान है, उससे पूछा किराने दुकान कहाँ है, क्या नाम है, तेरा आईडी कार्ड गया, तो कुछ नहीं बता पाया। ऐसे लोग झूठे बहाने बना बना करके आ रहे हैं। एक व्यक्ति ने प्लास्टर चढ़ा रखा है, उसको पूछा तेरी इलाज की पर्ची बता, एक्सरे बता, कुछ नहीं था। तो इस तरह की बहाने लोग बना रहे हैं और अलग अलग तरीके अपना करके लॉकडाउन के वो कर रहे हैं। ऐसे वाहनों को हम सीज कर रहे हैं, सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं और मुस्तैदी से ये कार्रवाई